चलो तो अपन अब राइट वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? तो जैसे अपन ने लेफ्ट में करा था, पहले 4B से भरेंगे अपन। ये वाला पार्ट अपन देख सकते हैं कि 4B से भरेंगे और धीरे धीरे करते हुए अंदर की तरफ लाएंगे। तो पहले हल्का सा एक इसकी आउटलाइन दे दो। ओके, अब अपन को पता है अपन को आराम आराम से यहाँ स्मूथली इतने पोर्शन में 4B भरना है, तो साथ साथ करते जाओ। ये हो गया। अब धीरे से कैसे करना, डार्क टू लाइट धीरे धीरे करते करते अंदर जाएगा, लाइट होता गया इस तरीके से। याद रखना अपना नेक यहाँ पे इसे शेड करके रखना है। फिर इसके बाद कॉटन लिया अपन ने और इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। सर्कुलर चलाना, फेस के अंदर नहीं ले जाना, पहले नेक पे शेड कर लो, ठीक है? अब ये पार्ट धीरे धीरे फेस पे ले जाओ अंदर, ये वाली कॉटन धीरे धीरे फेस पे लेगा और धीरे धीरे अंदर अंदर लेते जाएंगे। उससे क्या होगा, डार्क डार्क जो शेड है अपना वो आता जाएगा फेस पे थोड़ा थोड़ा, इसे हल्का हल्का यहाँ करेंगे। ये होता है। इसके बाद अपन को करना है 8B। तो वही सेम चीज, अपन हल्का हल्का शेड करेंगे पहले चेहरे की आउटलाइन 8B पेंसिल से। ओके, 8B से आराम से अपन ने कि यहाँ पे है 8B, ये बात ध्यान रखना। तो बाकी का हिस्सा एकदम अच्छे तरीके से 8B से फिल करो, जैसे लेफ्ट साइड किया था। ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना, अपन ऐसे डार्क लाइट धीरे धीरे अंदर की तरफ आएंगे, ऐसे शेड करते करते आराम से फेस के अंदर मत जाना। ओके, बस। और अब इसको कॉटन से अच्छे तरीके से स्मूथली करना ब्लेंड, ऐसा नहीं हो कि डार्क लाइट रफ ऐसा अलग अलग है, तो ये अच्छे तरीके से यहाँ यहाँ चलाना है इसको, धीरे चलाते चलाते ऊपर लेते जाओ थोड़े प्रेशर के साथ। देखो ज्यादा प्रेशर के साथ करोगे लाइन, बस ये थोड़ा गड़बड़ा गया, उसे मैं बालों से कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो कोशिश करना ऐसा ना हो। इसके बाद हल्का हल्का ऐसे इस पे ब्रश चलाएंगे अपन। इसको देखो मैं फेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसपास फेड हो जाए, वरना मैं से अभी बाल बाल बनाना है अपन ऊपर से उससे कवर कर देता हूँ, ठीक है? तो ये अपने दो लेयर्स होता है। 8B करने के बाद अपन 10B लेंगे, हल्का हल्का चेहरे की आउटलाइन शेड करी, ठीक है? और ये बाहर का हिस्सा जरा आराम से एकदम स्मूथली स्मूथली फिल करो, शेड करते जाओ अच्छे तरीके से। कलरिंग नहीं करनी अपन को, शेड करना है जैसे अपने लेफ्ट से किया ना इस तरीके से ध्यान से, कि ऐसा ना हो पता चले लेफ्ट साइड अलग दिख रहा राइट साइड अलग दिख रहा, वो नहीं होना चाहिए। ये हो गया अपना शेड। अब अपने कॉटन लेके इसे बहुत स्मूथली अच्छे तरीके से एकदम ब्लेंड कर दो। फेस पे नहीं जाना चाहिए अभी, नेक पे किया। अब हल्का हल्का फेस की बॉर्डर पे ले गए, इसे सर्कुलर ले जाओ फेस की बॉर्डर पे। ये इसके बाद एक चीज बचती है अपनी, 10B पेंसिल से यहाँ पे भी करना है अपन को, ये हेयर्स वाला पोर्शन जो है। अपन ने ये लेफ्ट साइड किया था, राइट साइड भी यही होगा। ऐसे डार्क करते हुए लाएंगे 10B को, कर्व करना, ठीक है? मेनली यहाँ तक आएगा अपना 10B, ऐसे नीचे तक आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ फेड होते हुए आएगा 10B, डार्क टू लाइट करेंगे अपन, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ।
से यहाँ, ओके। यहाँ थोड़ा किया बस, ओके। इससे में किया, अब इसे ब्लेंड करना है, सर्कुलर चलाना, यहाँ से इसे सर्कुलर चलाते चलाते, पहले ये वाला हिस्सा किया, बाकी का हिस्सा ऐसे धीरे धीरे सर्कुलर चलाना, तो उसे थोड़ा आसपास फैलाना, इसे धीरे धीरे सर्कुलर करते गए और इसे लेफ्ट ले जाना, सर्कुलर किया और लेफ्ट ले गए, इसे बाहर की तरफ अपन को थोड़ा फैलाना है, इसे बहुत ज्यादा नहीं बस थोड़ा। इसके बाद फिर अपन ने ब्रश लिया, फिर ब्रश से आराम आराम से हिस्सा ब्लेंड कर लिया, ठीक है। तो अपन को डार्क चाहिए था, जितना नहीं डार्क हो गया देख सकते हैं, थोड़ा शाइन मार रहा है, वरना वो है डार्क, ठीक है। अब बस इतना हो गया, अब अपन बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ लेयर्स जो आ रहे हैं वो बनाना है, तो पहले इतना कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ लेयर्स कैसे ये बनाने हैं, अपन 10B से ही बनेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो 10B डायरेक्ट यहाँ से निकालोगे, अब एक बार ध्यान रखना कहाँ से आ रहे हैं मुझे देखो, और जो छोटे छोटे इधर भग रहे वो अपन बाद में मैकेनिकल पेंसिल की मदद से अब बना देंगे। तो यहाँ पे देखो फ्लो देखो इसका कैसे आया, कैसे बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन मुझे एक आती कवर करना है, ऐसे आएगा, पेंसिल थोड़ी पीछे पकड़ना था कि फ्री हैंड से आ, और ये आया और इस तरीके से आ गया, पेंसिल शार्प रखना इस तरीके से, देखो ये आ गया एक हिसाब से। अब इसी के साथ इसे थोड़ा इसी पे थोड़ी निकलती हुई ये आई, थोड़े आसपास निकल रही है, एक आइडिया यही है कि ये कितना थोड़ा सा मोटा हो गया, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, नीचे चला गया, ओके। ये आया ऊपर से, ब्लेंडिंग स्टंप लो, ये जो आ रही है इस ऊपर की तरफ थोड़ा ब्लेंड करो, और ये जो आ रही है इस पे ब्लेंडिंग स्टंप चलाओ थोड़ा, ये गए। फिर इस पे थोड़े बिखरते हुए बाल हैं, तो इस तरीके से एक आधे इधर, एक आधे से कर्व हो गया, एक बड़ा सा कर्व आ गया, ये ऐसे चला गया, तो इस साइड भी आने चाहिए लेफ्ट साइड, थोड़े यहाँ ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हैं, थोड़े ऊपर से आ रहे आंखों की तरफ ऐसे, थोड़े राइट साइड भी आ रहे हैं, तो एकदम मेरे कॉपी में थोड़ा हाथ फ्री फ्लो चल रहा है ना, ऐसे फ्री हैंड फ्लो आना चाहिए तुम्हारा, इसी के ऊपर एक आध दो बार मैकेनिकल पेंसिल से काटो ताकि थोड़ा और डार्क हो जाए, ठीक है। इस तरीके से अपन को करना है एक आध एक आध तो, और ये अपने बालों के साथ ये अपना स्केच जो है वो कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हो ऊपर से नीचे अपन टाइम लगा इसमें अपना बहुत अच्छा बन गया। अब इसमें से अपन को टेप निकालना है, अपन इसका टेप निकालते तो एक बार ध्यान रखना, टेप निकालते समय टेप को जो निकाल रहे हो वो स्केच से दूर करते हुए निकाल, कभी भी स्केच की तरफ नहीं निकालते, हमेशा अपन जो निकालेंगे टेप स्केच की तरफ नहीं निकलेगा, दूर हटेगा, दूसरा स्केच से स्केच की तरफ नहीं निकलना, अगर पेज फटता भी है स्केच लेके नहीं जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे निकालना स्केच को, थोड़ा टेप को थोड़ा स्ट्रेच करना ताकि वो पेप कम से कम पेपर फटे, देखो देखो नहीं फटा यहाँ पे। अब ये साइड का निकालते हैं अपन, इस साइड का निकालेंगे अपन धीरे धीरे, बहुत आराम से रखना, और हाथ या ध्यान रखना उंगलियों पे ग्रेफाइट नहीं होना चाहिए, मतलब बॉर्डर्स जो अपन एकदम क्लीन रखना चाहते थे वो पूरे गंदे हाथों की वजह से और डर्टी हो गई, ठीक है। इसे धीरे धीरे निकालना, एक साइड बचती है, बहुत आराम से इसको भी अपन अब अपना स्केच जो है देख सकते हो एकदम बहुत बढ़िया तरीके से स्केच अपना तैयार हो गया, ठीक है। तो अपना ये स्केच हो गया।